Good evening guys, here we have quadratic equation class 10 exercise 4.2 question number 3. And the question is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Firstly we have to assume what we have to find out. So let first number is x, then second number will be 27 minus x. Since it is given that the sum of two number is 27. So we have first number is x and second number is 27 minus x. Now according to question, since it is given that the product is 182, we can write according to question x into 27 minus x is equals to 182. Now we have to multiply, that is 27x minus x square equals to 182. On replacing x minus x square and 27x on right side, we have x square minus 27x plus 182 is equals to 0. Now it is quadratic equation. That is our chapter. We have already discussed about quadratic equation and the method to solve the following problem. हमने आपको तीन मेथड बताए हैं. फर्स्ट उसमें आता फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, सेकंड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्योंकि हम सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की है. आप देखेंगे आपको कहा था कंपेयर करके एबीसी फाइंड कर लेना. हियर हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 27 एंड सी इक्वल टू 182. तो एबीसी मिल गया. हमने आपको कहा था ए इंटू सी, ए और सी का प्रोडक्ट कर लेंगे. ए देखिए 1 है, सी 182 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 182 आएगा. तो 182 के फैक्टर करने हैं उनको सबसे पहले. तो देखिए 182 के फैक्टर हम ग्राफ में अलग से कर लेंगे ऐसे. तो 2 से हो रहा 2, 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब ये 91, तो ये होता है 7 से डायरेक्टली 13, एंड 13 1 जा 13. तो 2, 7 एंड 13 मिल गए हमको. अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए इसका सम या सबट्रैक्ट करके आना चाहिए 27. साइन का प्रॉब्लम नहीं, साइन को बाद में चेंज कर लेंगे. तो 27 होना चाहिए और आप देख रहे हैं कि कितना हो रहा, 7 टू जा 14 और 13. 14 और 13 दोनों को सम करेंगे तो कितना आता है, दोनों को सम करने से हमको 27 मिल जाता है. जबकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा. यानी कि हमको दो नंबर मिल चुके हैं. नंबर क्या है, 14 एंड 13, और 13 एंड 14. तो देखेंगे ये जो रफ वर्क किया, ये तो हम सिर्फ ये पता करने के लिए कर लेते हैं कि वो नंबर्स क्या क्या होंगे. तो देखेंगे अभी हम 13 एंड 14 यूज करते हैं. यूज कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा. देखिए आप क्या लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0. आपने देखा हमने क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दी, सिर्फ 27 को नहीं लिखा, वहां ब्रैकेट लगा दिया हमने. अब 27 को हम क्या कैसे कर लेंगे, यहाँ पे हमें 27 लिखने, वो दो नंबर कैसे मिले थे हमको, 13 एंड 14. तो अब 13 और 14, आप यहाँ पे 14 माइनस 13 या 13 माइनस 14 तो कर नहीं सकते, क्योंकि तब या तो माइनस 1 या 1 आ जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस 14 और 14 प्लस 13, एज यू विश यू कैन डू. तो यहाँ पे हम 13 प्लस 14 कर देते हैं. देखेंगे ये जगह 13 प्लस 14, इसी को कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को इन तीनों में, मिडिल टर्म ये वाला हुआ, स्प्लिट करना मतलब तोड़ देना, हमें तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया उसको. लेकिन स्प्लिट ऐसे करना, देखिए करने के लिए आप 26 प्लस 1 भी कर सकते हैं, आप 25 प्लस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है. आपको ऐसे नंबर लेके आने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट ये ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा हो, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. तो बस अब ब्रैकेट ओपन करना है, नॉर्मल कर लेंगे. देखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 13, और यहां से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0. अब दोनों से एक्स माइनस 13 कॉमन लेंगे तो आपको एक्स माइनस 14 मिल जाएगा. देखेंगे
ये x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 यहाँ भी है, x माइनस 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 कॉमन लिया तो देखें यहाँ पे क्या बचेगा, x और माइनस 14, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 13 मिलेगा, और एक बार इसको 0 लेंगे तो x इक्वल टू 14 मिलेगा, यानी कि दो नंबर क्या है, 13 एंड 14 है। आप चाहे तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक योर आंसर, क्वेश्चन था फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आप अगर इन दोनों को सम करते हैं तो दोनों का सम 27 आएगा, और जबकि प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आएगा, 182। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, आप आंसर लिख सकते हैं, हेंस द नंबर इज 13 एंड 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसने लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, और कुछ टाइम पहले में लिखते हैं ये स्क्वायर ऑफ हुज सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ हुज सम दोनों अलग बातें हैं, इस चीज को समझ कर रखिएगा। देखेंगे क्या मतलब इसका हो जाता है, क्वेश्चन था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर हमको सम करना है उनके स्क्वायर का, ठीक है, और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कंसेक्यूटिव क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें, कंसेक्यूटिव होता है जो लगातार आ रहे हैं, जैसे एक्स, चलो एक्स की बात नहीं करते, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज नंबर आता 9 तो 10, 15 तो 16, 100 तो 101, 55 तो 56, तो ये लगातार जो आने वाले नंबर, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो हम वही नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, लेट नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, तो ये दो नंबर, एक एक्स और एक एक्स प्लस 1, जैसे मैंने 6 बोला तो देन 7, 15 बोला तो 16, 100 बोला तो 100 प्लस 101, तो 11 ऐड कर रहे, तो x बोला तो x प्लस 1। देखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारे पास, इसने कहा था हमको सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ किसका सम कर रहे हैं, हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का, x स्क्वायर और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, कई बार क्या बोला जाता स्क्वायर ऑफ हुज सम, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे, आप इसको समझिएगा, यह है स्क्वायर ऑफ हुज सम और यह है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यू कैन सी, तो जो पहले बोला उसको पहले यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंने पहले प्लस किया, इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 इक्वल टू 365। अब इसको नॉर्मल खोल लेते हैं हम, x स्क्वायर ये प्लस b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस 365 इज इक्वल टू 0, यू कैन सी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो फिर वही 7 और 13 हो जाता है आपका, 7 हुआ 13, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया तो सेम क्वेश्चन आई थिंक वैसा ही लग रहा, तो 7 टू जा 14 और 13, 14 और 13 आ जाना है, 14 माइनस 13 करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जाएगा प्लस, अब देखिए फिर से मैंने ब्रैकेट लगाया, एक्स लिखा माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम, अब यहाँ पे कितना है इसका कोएफिशिएंट, कितना है 1, जस्ट 1, हमको 1 चाहिए, और वो 1 कौन नंबर देंगे, दो नंबर देंगे, कौन, 14 एंड 13, तो 14 प्लस 13 तो हम कभी करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 13, तो 14 माइनस 13
तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो अब इक्वेशन बन गई है, देखेंगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो आ गया x प्लस 14 और इन दोनों से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे यहां आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब x प्लस 14 को कॉमन ले लीजिए यहां आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। अब रिजल्ट देखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, जब प्लस का 14 है तो x इक्वल टू आएगा माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू आएगा यहां पे 13। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो दो नंबर हम लेके चल रहे थे, x हमने एज्यूम किया था, x एंड x प्लस 1 इसके दो नंबर थे, हमारे पास आंसर मिल रहा हमको माइनस 14 एंड 13। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता आपको उस लैंग्वेज में आंसर देना होगा। इसने कहा था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि माइनस 14 हम लेंगे, डेफिनेटली हम किसके पास जाने वाले हैं 13 के पास, और ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। दो नंबर कहां, नंबर कौन थे, x एंड x प्लस 1, यानी कि हमारे पास नंबर क्या हो गए तब, हेंस पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड, तो 13 तो हुआ x का वैल्यू एंड x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 दैट इज 14। यस, तो ये हमारा आंसर होगा 13 एंड 14, ये वो दो नंबर होने वाले हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द अदर टू साइड्स। जिसके साथ कंपैरिजन करके बताया जाता है उसको हमको एज्यूम करना होता है। इसमें यहां पे कहा है The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Base के साथ comparison कर रहा था, हमको सबसे पहले base को assume कर लेना है। हम लिख लेंगे, fifth question है, let the base be x centimeter. Centimeter उसने measurement दिया है, yes, तो हम लिख सकते हैं x centimeter, ये base है। अगर ये base है तो question के according altitude क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस है, देन एल्टीट्यूड बी, अब बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मोर होता तो x प्लस 7 करते, लेस है तो माइनस करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी गिवन है दैट इज 13 सेंटीमीटर। Hypotenuse is 13 centimeter. तो तीनों चीज मिल गई, बेस x है, altitude x minus 7 and hypotenuse is 13 centimeter. तो अगर ये तीनों चीजें हैं, right angle triangle की sides हैं, you know कि right angle triangle क्या होता है, ऐसा triangle जहाँ पे एक angle right angle और दो other angle acute angle होते हैं, उसको हम right angle triangle कहते हैं। बहुत famous theorem, great mathematician Pythagoras के द्वारा दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होती है, और वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th के स्तर पर, जब जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी 90% टाइम पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। इसलिए जिसको नहीं मालूम
वो इसको कंसीडर करके रखें हमेशा के लिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक चीज और आपको समझा देते हैं यहाँ पे, जबकि हाइपोटेनस कौन होता, बेस कौन होता, परपेंडिकुलर कौन होता, एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहा गया है आप समझे। अगर ये साइड हमारा एबीसी अगर एक ट्राइंगल है, यू नो कि ट्राइंगल क्या होता है, तो हमने जैसे आपको अभी कहा जहां पे एक एंगल राइट एंगल होता है, यू कैन सी बी पे हमने राइट एंगल दिखाया है, और जो दोनों अदर एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए, एक्यूट के अलावा पॉसिबल नहीं होते कुछ होना, वो 100% एक्यूट होंगे अगर वो एक ट्राइंगल है तो, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा इसकी। तो देख रहे हैं कि 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों छोटे एंगल होंगे, तो 90 डिग्री जहां पे एंगल होता है द साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। तो ये वाली जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट ये जो साइड है AC, इसी को हाइपोटेनस कहेंगे, एंड अदर टू साइड्स विल बी एल्टीट्यूड और बेस। No problem if we take BC as base, AB as altitude, BC as altitude, AB as base. No problem at all. Both the sides can interchange, but hypotenuse cannot be. Hypotenuse is always the longest side of triangle, that is opposite of right angle. You can see. इसके अपोजिटिव साइड है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस हमारे पास है 13, डेफिनेटली इस ट्रायंगल के अंदर की बात करें तो ये एसी 13 होगा। अब बीसी और एबी का ऐसा है वो एक्स भी हो सकता है, एक्स माइनस सेवन भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप वैल्यूज रख लेंगे, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास एक्स, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर दैट इज एल्टीट्यूड, एक्स माइनस सेवन हो जाएगा इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 169 होता ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्सपेंड होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी सेवन सेवन का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। ये सी है ट्राइंगल का, ये प्लस का 49 है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कितना हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 169 को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और 49 माइनस 169 आपके पास बनेगा माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। टू कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। तो यू कैन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगेन एबीसी कंपेयर, बार बार एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको हैबिट हो गई कि एबीसी क्या हो रहा है, ए वन हो रहा, बी माइनस सेवन और सी माइनस 60 है। ए का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि वो 60 के फैक्टर करने हैं, तो 60 के फैक्टर करने और वो ऐसे नंबर ढूंढ के लेकर आने जिनका प्रोडक्ट या सम कितना हो जाए वो आपको 7 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाए। तो छोटे नंबर पे तो आपको ये चीजें ऑरली मिल सकती है, लेकिन बड़े नंबर के लिए आपको फैक्टर करने होते हैं। तो जैसे हम आपको बता देते हैं वापस कैसे हम कर रहे थे, 60 को फैक्टर किया हमने, 2 से किया 30, देन अगेन बाय 2 15, अगेन बाय 3 5 एंड बाय 5 वी गेट 1, तो 2 2 3 एंड 5। तो अब हमको नंबर चाहिए यहाँ पे 7, और ये बन रहा है 2 2 3 एंड 5, तो हमको पेयर अलग अलग ले लेने हैं आपको। आप जैसे 2 2 4 ले लेते हैं, 5 3 15 ले लेते हैं, तो 15 माइनस 4 या 15 प्लस 4 कर लेते हैं, दोनों सिचुएशन में 7 नहीं मिलेगा हमको। हम 3 2 6 कर लेते हैं, 5 2 10 कर लेते हैं, तो 10 और 6 दोनों सिचुएशन में 7 नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, थ्री टू या सिक्स टू या 12, अगर हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं 12 दे रहा है आपको और ये 5 दे रहा है। अब 12 प्लस 5 करेंगे, अगर ऐड करते हैं 12 एंड 5 को तो 17 मिलता है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। इट मीन्स कि हम अपने टारगेट पे पहुंच गए, 12 एंड 5 वो नंबर हो गए। तो आपको ऐसे अलग अलग पेयर बनाकर वो नंबर को सर्च कर लेना, 12 एंड 5 को फाइनली हमारे पास नंबर मिल चुके हैं। तो हम देखिएगा इक्वेशन को आगे कैरी करते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस 7x है, तो ये माइनस, और इसको फिर से हमने ऐसे ही ब्रैकेट कर लिया x, और फिर है माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब वहां पे क्या नंबर हमको मिला था, 12 एंड
फाइव, तो 12 माइनस 5 को आपको कर लेना है, 12 माइनस 5। आप एक चीज और देखेंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस जो आपने अभी देखे होंगे, ये जो नंबर हमने लिखा 5 नेगेटिव का, ये नेगेटिव का है तो ये 60 भी नेगेटिव का है, सी भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, सी नेगेटिव है यहाँ।